वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट्स योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्लूड एंड ब्लड। बॉडी फ्लूड एंड ब्लड में हमने पहले पार्ट में आपको देखा था कि बॉडी फ्लूड में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से दो कंपार्टमेंट होते हैं बॉडी फ्लूड के अंदर, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, तो ब्लड को मेनली दो पार्ट थे, एक ब्लड और एक प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पोर्शन को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ब्लड जो है आपका प्लाज्मा इन ब्लड सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्लाज्मा पोर्शन होता है और ब्लड पोर्शन होते हैं। और अगर हम प्लाज्मा और ब्लड पोर्शन की बात करें तो लगभग 55% आपका प्लाज्मा पोर्शन होता है और 45% क्या होता है ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। तो प्लाज्मा हम डिस्कस कर चुके थे। प्लाज्मा के बाद में हमने ब्लड सेल देखी थी। ब्लड सेल बताया था आपको तीन टाइप की होती हैं, एक RBC जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो हमने RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में देखा था, जो सबसे ज़्यादा काउंट में कोई ब्लड सेल्स होती है तो कौन सी होती है RBC होती है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और काम क्या होता है इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स टू द वेरियस ऑर्गन्स और कार्बन डाइऑक्साइड का वेरियस ऑर्गन टू लंग्स। इसके बाद हमने बात की WBC की। WBC भी नंबर ऑफ क्वान्टिटी में कम होती है लेकिन साइज में सबसे बड़ी आपकी ब्लड सेल्स होती हैं और ये लगभग आपके और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की WBC प्रेजेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट जैसे टाइप ऑफ WBC ये डिस्कशन रह चुका था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था टाइप WBC के पार्ट तक। तो वी स्टार्ट नाउ टाइप ऑफ WBC। WBC बेसिकली क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी WBC को डिवाइड किया गया, ग्रेन्यूलोसाइट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी कि जिस WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते थे उसे ग्रेन्यूलोसाइट्स बोल दिया, और जिस WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं थे उसे क्या बोला एक ग्रेन्यूलोसाइट्स बोला। यानी ग्रेन्यूलोसाइट्स ऑल द ग्रेन्यूलोसाइट्स हैव ए मल्टीलोब्ड एंड कंटेन ग्रेन्यूल्स डैट कैन बी विजिबल बाई स्टेनिंग। यानी कि जो ग्रेन्यूलोसाइट जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, जो कि हम उसे स्टेनिंग करें डाई से स्टेनिंग करने पर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि उसमें ग्रेन्यूल्स हैं और मल्टीलोब्ड है। तो वो सभी ग्रेन्यूल्स में की वजह से जो ऑब्जर्व होती हैं वो सेल आपकी तीन टाइप की थी, एक न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। दूसरी टाइप की जो सेल होती है वो ग्रेन्यूसाइट्स है। दी सेल लैक ऑफ ग्रेन्यूल्स हैव ए नॉन लोब्ड न्यूक्लियस। यानी वो सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है और जो न्यूक्लियस है वो आपका नॉन लोब्ड है, उसमें कहीं भी लोब्ड नहीं निकले हुए हैं, तो उस टाइप को एक ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स होती हैं। ये भी दो टाइप की होंगी, मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। इस तरीके से WBC की टोटल पांच टाइप की सेल हो गई, यानी कि ग्रेन्यूलोसाइट में तीन टाइप की और ग्रेन्यूलोसाइट में दो टाइप की। ग्रेन्यूलोसाइट में कौन कौन सी तीनों, मोनो तो आपकी न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और आपकी ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में दो होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन हो गया WBC डिवाइड इनटू टू टाइप, ग्रेन्यूलोसाइट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। नाउ वी डिस्कस टॉक अबाउट द ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या हैं, दे आर द थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इसको भी अलग अलग डाई की बेस पर डिवाइड किया गया, जो बेसिक न्यूट्रल डाई में जो दिखाई देते हैं उसे न्यूट्रोफिल्स बोल दिए, जो बेसिक डाई में दिखाई देती हैं उसे बेसोफिल्स नाम दिए, जो इओसिन डाई से ऑब्जर्व हो पा रहे थे उनको इसिनोफिल्स नाम दे दिया। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैव फाइन ग्रेन्यूल्स इन दियर साइटोप्लाज्म डैट स्टेन इक्वली वेल विद बोथ एसिडिक एंड बेस। यानी एसिडिक बोथ सेम अमाउंट में एसिडिक और बेसिक डाई को हम मिक्स करके स्टेनिंग करते हैं तो जो हमें ग्रेन्यूल्स देखते हैं वो क्या है आपके न्यूट्रोफिल सेल्स के रहते हैं। द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरन बॉडीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स। दीज आर द फर्स्ट सेल्स अमंग द WBC रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द टिश्यू डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ यहाँ बात कर रहे हैं WBC के बारे में बात कर रहे थे। तो WBC जो है जो आपकी ये सब सेल्स जो है न्यूट्रोफिल्स होती हैं। द मेन फंक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरन बॉडीज
एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स एंड दीज सेल्स आर फर्स्ट सेल अमंग द WBC टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाई बैक्टीरिया। यानी कि ये जो फंक्शन है इसका, जो फॉरन बॉडीज, कोई बाहर का मटेरियल आ गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई और जो हमारे वेस्ट मटेरियल, उनको बॉडी से, ब्लड से बाहर करने का काम होता है। और दीज आर द ये सेल जो फर्स्टली WBC सेल होती है, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देती है अगेंस्ट द बैक्टीरिया की रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में, ठीक है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। जिस कंडीशन में एबनॉर्मल अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ने लगे तो उसे हम न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। दिस में अगर इन एक्यूट इन्फेक्शन एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, अगर कोई बहुत जल्दी कोई इन्फेक्शन हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुए हैं, उस कंडीशन में ये सब ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बढ़ जाती हैं। नाउ टॉक अबाउट द इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स यानी कि द गैंडुल्स इन इसिनोफिल्स आर इसिनोफिलिक एंड डेट इज द स्टेन रेड ऑरेंज एंड ड्राइड रेड ऑरेंज एसिडिक डाई यूसिन्स। यानी कि जो ग्रेन्यूल्स, जो सेल्स इसिनोफिलिक जो डाई से स्टेन करने पर ऑब्जर्व हो रही है, जिसमें रेड ऑरेंज एसिडिक डाई यूसिन होती है, वो यूसिन के कलर करने पर ऑब्जर्व हो रही थी, उसको नाम क्या दिया, इसिनोफिल्स नाम दिया। दे आर फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ इसिनोफिल्स। एक तो होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट एंड रोल इन एलर्जिक कंडीशंस। एबनॉर्मल इंक्रीज इन इसिनोफिल्स काउंट आर कॉल्ड इसिनोफिलिया एंड इट इज मेनली अकर इन द एलर्जिक कंडीशन अस्थमा एंड ब्लड पैरासाइटिस सच एज मलेरिया एंड फिलेरिसिस ETC। ये मेनली क्या होते हैं, इनको दो मेन फंक्शन होते हैं इसिनोफिल्स के, एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट को ही आ गया उसे बाहर निकालने के लिए, और एलर्जिक कंडीशन जो इंड्यूस होती है वो भी इसिनोफिल्स की वजह से होती है। अगर इसिनोफिल बड़ा हुआ है तो ये इंडिकेशन करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि एबनॉर्मल जब बहुत ज़्यादा काउंट में इसिनोफिल्स जब बड़े आते हैं तो उसे इसिनोफिलिया बोलते हैं। ये अक्सर कब होता है, जब या तो एलर्जिक कंडीशन हो जैसे अस्थमा है, या फिर ब्लड पैरासाइट, कोई ब्लड कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो जैसे कि मलेरिया है, फिलेरिसिस है, ETC, ठीक है। अब आते हैं बेसिनोफिल्स की बात में, तो ग्रेन्यूल्स आर द ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसिनोफिल्स आर बेसोफिलिक, यानी कि जो बेसिक डाई की कलर करने पर जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उसको क्या नाम दिया, बेसोफिल्स नाम दिया। दे डेड दे स्टेन पर्पल ब्लू विद बेसिक डाई सच एज मेथाइन ब्लू से डाई, मेथाइन ब्लू एक बेसिक डाई होती है, उससे कलर करने पर जो ऑब्जर्व हो रहे थे उसे नाम क्या दे दिया, बेसोफिल्स। बेसोफिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लामेशन एलर्जिक रिएक्शंस एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशंस। बेसिनोफिल्स वाइंड टू द एलर्जिक एलर्जेंस एंड रिलीज द गैंडुल्स डेट कंटेन हिस्टामिन एंड हेपेरिन एंड अदर सबस्टेंस प्रोमोट द इन्फ्लामेशंस। तो आपके जो बेसोफिल्स होते हैं उनका मेन रोल किसमें होता है, इन्फ्लामेशन जो होती है, स्वेलिंग जो हो रही होती है, एलर्जिक कंडीशन जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही होती है उसमें मेन रोल करते हैं। जब किसी साइड में इन्फ्लामेशन जो आता है तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, हम वहाँ पर एलर्जिक जो एलर्जिक एलर्जन जिसकी वजह से एलर्जी होती है उनके साथ में बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने की वजह से क्या होते हैं, ये गैंडुल्स हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, और हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन और हेपेरिन का रिलीज बढ़ जाता है जिससे कि इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन बेसोफिल काउंट इज टर्म एज बेसोफिलिया। अब जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बेसोफिल्स बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में बेसोफिलिया कहेंगे। एंड इट इज अकर कंडीशन स्मॉल पॉक्स, स्किन पॉक्स इन्फेक्शन जो होता है तो उस कंडीशन में मेरी बेसिनोफिल्स का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के, यानी कि एग्नोसाइट्स। एग्नोसाइट्स यानी कि जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, तो ये कितनी थी, दो टाइप की थी, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। तो पहले बात करते हैं किसकी, मोनोसाइट्स की। दे आर द लार्ज ल्यूकोसाइट एंड विद ए किडनी शेप न्यूक्लियस एंड आर मोर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ये आपकी लार्ज ल्यूकोसाइट होती है, बड़ी ल्यूकोसाइट सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो किडनी शेप है, और ये मेनली बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइटोसिस। और ये फेगोसाइटोसिस की हेल्प से ये किसी बॉडी के माइक्रोऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में चलाया है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। फेगोसाइटोसिस मतलब उसको इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेती है कौन, मोनोसाइट्स, और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर ले, खा लेगी और उसे डाइजेस्ट कर देगी अपने एंजाइम के थ्रू, जिससे वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्टिंग करते हैं। द एबनॉर्मल इंक्रीज इन मोनोसाइट्स काउंट इज नोन एज मोनोसाइटोसिस। अगर मोनोसाइट्स का काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं। इट अगर इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच जैसे ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस एंड मलेरिया, मेरी जो आपके माइक्रोबियल इन्फेक्शन में ऑब्जर्व होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गया हो, सिफिलिस हो, मलेरिया हो, तो इन कंडीशन में क्या होगा कि मोनोसाइट्स का अकाउंट बढ़ा हुआ रहेगा। अब जो दूसरी सेल बची उसमें वो क्या है, लिम्फोसाइट। दीज आर द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। अगर सबसे स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट की बात करें
सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यू बी सी कौन सी होती है, वो आपकी लिम्फोसाइट्स होती है। इसमें भी किडनी से न्यूक्लियस होता है बट साइज में स्मॉल होती है। द लिम्फोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, एक दो टाइप की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी दैट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और जो आपकी बॉडी में किसी भी माइक्रोब्स वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, तो एंटीबॉडी बनाने का काम किसका रहता है, इन्हीं लिम्फोसाइट्स का होता है। वी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के थ्रू ही बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं और वो एंटीबॉडी किसी भी माइक्रोब्स किसी भी वायरस के अगेंस्ट में काम करती हैं। ठीक है, अब बचता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेल्स ब्लड में। जैसे हमने पहले बताया था क्या थी, आरबीसी। दूसरी बात हमने किसकी की, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में हम डिवीजन देखे, एग्नोसाइट ग्रेनोसाइट्स, और उसके बाद हमारे पास आता है प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप सेल कौन सी, प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। द प्लेटलेट्स आर स्मॉल एंड नॉन लोब्ड फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो आपका नॉन न्यूक्लियेटेड फॉर्म एलिमेंट है ब्लड का, जो कि मेनली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। ब्लड का कॉगुलेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसका, प्लेटलेट्स का। दे आर ए स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स एंड डायमीटर रेंज 2 to 5 micrometer, बहुत सारी बहुत छोटी स्मॉल सेल ब्लड सेल्स होती है जिसका डायमीटर 2 to 5 micrometer के बीच में होगा। एंड प्लेटलेट्स आर राउंडेड ओवल एंड डिस्क शेप एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, राउंडेड सेल्स होंगी, ओवल सेल्स होंगी और डिस्क शेप्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स आर लेस देन आरबीसी, आरबीसी से कम होती हैं, मोर देन डब्ल्यूबीसी, ये एक तरह से बीच में है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, आरबीसी, उससे कम क्या होंगे प्लेटलेट, उससे कम क्या होंगे डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आरबीसी से कम होंगी क्वांटिटी में और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती हैं। द प्लेटलेट रेंज बिटवीन द 2 लाख से लेकर 4 लाख या 1.5 लाख से लेकर 4 लाख की वी पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड में के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर किसी कारण से प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। वेन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि प्लेटलेट्स का अकाउंट बढ़ रहा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर प्लेटलेट का अकाउंट कम हो रहा है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। प्लेटलेट्स हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, का बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है। नॉर्मली ये 5 to 9 days के बीच में ये लाइफ स्पैन पीरियड होता है। दे आर डिस्ट्रॉय बाई ये मैक्रोफेज, मेनली इन द स्प्लीन, और मैक्रोफेज सेल के थ्रू ये डिस्ट्रॉय पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जो कि स्प्लीन में प्रेजेंट रहती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर ए ब्लड क्लॉटिंग एंड रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स। तो मेन फंक्शन जो प्लेटलेट्स का होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग करना और साथ में रक्चर ब्लड वेसल से उसको रीहील करना। तो इस तरीके से आपकी ये सभी कंप्लीट हो गई क्या, सेल। तो पहले हमने किसी बात की थी, आरबीसी की, उसके बाद हमने बात की डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स की, और उसके बाद हमने बात की कौन सी टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, ग्रेनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, और फिर हमने बात की प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की बात हो गई, आरबीसी की बात हो गई और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स की बात हो गई। तो ये आपकी मेनली 3 टाइप की सेल्स थी, ये डिस्कशन ओवर हो चुका है। अब इसके बाद जो बचता है वो आपका हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल सिस्टम ऐसी हीमोपोइसिस या हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस हीमोपोइसिस की प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड सेल का डेवलपमेंट होता है, ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होती है, ब्लड सेल बनती है। बिफोर बर्थ हीमोपोइसिस फर्स्ट टेक प्लेस इन द एग योल्क सैक एंड एम्ब्रियो एंड लेटर इन द लिवर स्प्लीन थाइमस लिम्फ नोड ऑफ द फिटस। जन्म से पहले क्या होता है कि जो आपका हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो बेसिकली जो एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो सैक में होता है, और जब एम्ब्रियो के बाद कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो लीवर में स्प्लीन में थाइमस में लिम्फ नोड में भी इनका प्रोडक्शन होने लगता है। ये प्रोसेस हीमोपोइसिस की यह संपन्न होती है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर बर्थ टू द होल लाइफ रेड ब्लड वेसल बिकम द प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोइसिस। और जब जन्म किसी जन्म हो जाता है ह्यूमंस का, जब ह्यूमन का आफ्टर बर्थ जन्म लेने के बाद में संपूर्ण जितने भी आपकी ब्लड सेल्स हैं, चाहे आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो प्लेटलेट, सभी का फॉर्मेशन क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है, जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन की जो बहुत लंबी बोन होती है उनके बीच में एक आपका अस्थि मज्जा जैसे जैसे स्पॉन्जी बोन्स पोर्शन कहते हैं, तो इसी स्पॉन्जी बोन पोर्शन होता है वहाँ पर रेड बोन मैरो होती है। वहीं पर क्या होगा, इन्हीं सभी तरह की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो प्लेटलेट्स हो। ठीक है,
तो द ब्लड सेल डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो. द स्टेम सेल हैव ए कैपेसिटी टू डेवलप इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स. यानी कि जो ब्लड सेल डेवलप होती हैं किससे होंगी, स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स के बारे में पहले बता चुका हूँ. स्टेम सेल वो सेल होती हैं जिनमें कंटिन्यू डिवीजन चलता रहता है, हमेशा उनके अंदर डिवीजन चलता रहे, कंटिन्यू वो सेल में रिपोर्ट डिवीजन सेल डिवीजन होता रहे, उस टाइप की सेल को क्या बोला जाता है, स्टेम सेल हो जाता है. तो ये जो आपकी ब्लड बोन, जो आपकी रेड ब्लड बोन मैरो जो होती है, रेड बोन मैरो, उसमें स्टेम सेल होती है. स्टेम सेल में कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल. वो इस टाइप की स्टेम सेल क्या बोला जाता है, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल. क्योंकि इसकी वजह से इस स्टेम सेल से क्या है, डिफरेंट टाइप की आपकी ब्लड सेल्स बन रही हैं. आरबीसी बन रही है, डब्ल्यूबीसी बन रही है, प्लेटलेट्स बन रही है, और डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी भी बन रहे हैं. हीमोपैथिक स्टेम सेल डेवलपमेंट टू द टू मेन टू टाइप ऑफ स्टेम सेल्स. जैसे कि लिए आपका हीमोपैथिक स्टेम सेल होती है वो डेवलप होती है, तो वो डिवाइड होगी, डेवलपमेंट होते हुए डिवाइड होती है दो टाइप की स्टेम सेल में. पहला होता है लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरा होता है माइलोइड स्टेम सेल. यानी कि जो प्लूरिपोटेंट हीमोपैथिक स्टेम सेल्स जो वो आगे ग्रोथ करती है, डिवाइड करती है, तो वो मेनली दो टाइप में डिवाइड होगी, एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स और दूसरा माइलोइड स्टेम सेल्स. और लिम्फोइड स्टेम सेल होती है उससे लिए आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और माइलोइड स्टेम सेल्स होती है उससे थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनेगी, और उससे आपकी लिटलेट्स और इथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है. यानी लिम्फोइड स्टेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्फोसाइट फॉर्मेशन एंड माइलोइड स्टेम सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्री यूनिट्स एंड द थ्री यूनिट्स आर अगेन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और मोनोसाइट. यानी कि वो आपकी मोनोसाइट्स सेल्स होती हैं, और उसके अलावा आपकी प्लेटलेट्स. जैसे कि यह माइलोइड स्टेम सेल डेवलप किया हुई थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट कॉलोनी यूनिट्स. तो कौन कौन सी होती हैं, तीन यूनिट कौन कौन सी होती हैं, एक होती है कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग इथोसाइट्स, एक कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग ग्रेनोसाइट्स, एक कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग मेरोसाइट्स. तो कॉलोनी फॉर्मेटिंग इथोसाइट्स होती है उससे क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इथोसाइट यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. कॉलोनी फॉर्मेटिक ग्रेनोसाइट्स होंगे उससे क्या होगा, ग्रेनोसाइट और मोनोसाइट जैसे सेल का फॉर्मेशन होता है. और कॉलोनी फॉर्मेटिक मैक्रोसाइट होती है, मेगाक्रायोसाइट्स होती है, मेगाक्रायोसाइट से आपके प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ब्लड सेल्स बन जाती है. द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, तो इथ्रोपोसिस कहते हैं, जब आरबीसी का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को इथ्रोपोसिस कहते हैं. द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जब डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लिकोपोसिस बोलते हैं. एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स इज नॉन थ्रोम्बोपोसिस. यानी आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपोसिस. डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, लिकोपोसिस. और प्लेटलेट का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोपोसिस. जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये क्या आपकी प्लूरिपोटेंट सेल्स है, और प्लूरिपोटेंट सेल्स से दो सेल बनी, एक लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलोइड स्टेम सेल. लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनते हैं, लिम्फोसाइट फॉर्म होता है. और माइलोइड स्टेम सेल से तीन कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग बनती है, कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग ई जिससे इथोसाइट बनेगी, कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग जीएम यानी कि इसमें आपकी मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट फॉर्म होंगी, और कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग एम इससे क्या प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू, जिसे हम एरिथ्रोपोसिस बोल सकते हैं. एरिथ्रोपोसिस यानी आरबीसी का प्रोडक्शन इस तरह से होता है कि कॉलोनी फॉर्मिनेटिंग ई होती है वो आपकी पेरी इथ्रोब्लास्ट में डेवलप होती है, जिसमें अपीथ्रोब्लास्ट से आपका एरिथ्रोब्लास्ट डेवलप होता है, फिर एरिथ्रोब्लास्ट से आपका रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसी डेवलप होती है, उसके बाद मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोसिस. इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लिकोपोसिस है, जिसमें लिम्फोइड स्टेम सेल से आपका ग्रेनुलोसाइट्स फॉर्म होते हैं. सॉरी, लिम्फोइड स्टेम सेल से आपके क्या, लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनते हैं, और माइलोइड स्टेम सेल से आपके मोनोसाइट्स, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स बनते हैं. डिफरेंट स्टेप्स हैं, आप फ्लो चार्ट से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरियस प्रोसेस ऑफ लिकोपोसिस, और ये हो गया वेरियस प्रोसेस स्टेप्स इन द एरिथ्रोपोसिस. ठीक है, और ये आपका स्टेप इन द थ्रोम्बोपोसिस. थ्रोम्बोपोसिस यानी कि आपका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना. तो ये बनती किससे, मैंने आपको बताया था, कॉलोनी फॉर्मेटिक एम. कॉलोनी फॉर्मेटिक एम होती है जैसे मैक्रोफाइट्स बोलते हैं, और उससे क्या बनेंगे, मेगाक्रायोब्लास्ट बनेगी, मेगाक्रायोब्लास्ट बनेगी, मेगाक्रायोसाइट्स बनेंगे, मेगाक्रायोसाइट्स से क्या बने, प्लेटलेट्स बनेंगे. इस तरीके से आपका प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका हीमोपोइसिस की पूरी स्टेप्स. अब बच्चा का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में. अब रेवेन्यू पोर्शन जो रह गया वो हीमोग्लोबिन्स, एनीमिया, ब्लड कोगुलेशंस और
इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप्स। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में शायद बॉडी फ्लूड एंड ब्लड पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिसमें हम सोचेंगे कि ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो कोशिश रहेगी आपकी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।